दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, गोपालगंज व मोकामा में वोटिंग हो गया, आज ड्रोन से होगी निगरानी, वोटर को धमकाने वाले जाएंगे जेल। जहां देखिए बिहार के गोपालगंज व मोकामा विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर भारी सुरक्षा के बीच गुरुवार को मतदान होगा। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। सभी बूथों पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस अर्धसैनिक बलों एवं जिला पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं हर दो भवन पर एक दंडाधिकारी तैनात रहेंगे, उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज में कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिनमें 7 पुरुष एवं 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहीं मोकामा में कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, इनमें 4 पुरुष और 2 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। वहां देखिए निर्वाचन विभाग के अनुसार उपचुनाव को लेकर दोनों क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। गोपालगंज में 331,459 मतदाता और मोकामा में 281,251 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी खबर में देखिए, 17 साल बाद सीएम नीतीश करेंगे सोनपुर मेले का उद्घाटन, विदेशी पर्यटकों के लिए स्विस कॉटेज। यह देखिए बिहार की राजधानी पटना से सटे सोनपुर में हर साल लगने वाले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला एक बार फिर से आयोजित होने वाला है। वहीं करीब 17 साल बाद खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। नीतीश कुमार 6 नवम्बर को मेले का उद्घाटन करेंगे, वहीं 8 को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान होगा। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल में मेला नहीं लगा था। अब जब कोरोना का प्रभाव पूरी तरह से समाप्ति के कगार पर है तो मेला समिति ने मेला लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस वर्ष मेले में ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक इस बार विदेशी पर्यटकों के लिए पर्यटन विकास निगम की ओर से बनाया जाने वाला स्विस कॉटेज आकर्षण का केंद्र बनेगा। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार के स्कूल में शनिवार को 9 बैग की व्यवस्था, बजेगी खेल के घंटे, मुफ्त मिलेगी किताब और डायरी। जैसे कि राज्य के सभी 72,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में इस माह से शनिवार को बच्चों के लिए 9 बैग की व्यवस्था और खेल के घंटे लागू होने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, इस पर विभागीय सहमति लेकर जल्द इसे लागू किया जाएगा। वहीं देखिए बच्चों के लिए सुरक्षित शनिवार के तहत शिक्षा विभाग का यह फैसला बच्चों पर पढ़ाई का बोझ को कम करना और शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए है। वहीं देखिए प्रत्येक शनिवार को बच्चे किताब लेकर कक्षाओं में नहीं जाएंगे, उन्हें प्राकृतिक आपदा और खेल आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए विद्यालय में बकाया घंटे लगेगी, साथ ही प्रत्येक बच्चों को डायरी दी जाएगी, उसमें सामाजिक सुधार, बाल विवाह रोकने, शराबबंदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बातें व उनकी प्रेरणादायक संदेश भी रहेंगे। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार में इस माह के दूसरे हफ्ते से ही गिरेगा न्यूनतम तापमान। जी हां देखिए, राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में इस महीने के दूसरे सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन पछुआ की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के कारण फिलहाल तापमान में कोई खास गिरावट नहीं होगी। वहां देखिए इसकी वजह से प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। आकाश मुख्य रूप से साफ रहने के साथ ही सुबह और शाम में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा। इसके बाद पारे में आंशिक गिरावट के आसार है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 30 से 32 व न्यूनतम 18-20 डिग्री रह सकता है। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में एग्जाम में बैठने के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू। जहां देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो गया है। वहां देखिए सत्र 2023-24 की बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वहां देखिए राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों के प्रधान अपने संस्थान के 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर कर सकते हैं। वहां देखिए रजिस्ट्रेशन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से या ई-चालान या नेट के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने या शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा होती हो तो समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612223207 पर संपर्क किया जा सकता है। बाड़ी खबर में देखिए, राज्य के 2.65 लाख शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन मद में 1190 करोड़ हुआ जारी। जहां देखिए शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 2,65,000 शिक्षक के वेतन के लिए 1190 करोड़ जारी किया गया है। वहीं देखिए विभाग ने जिलों को निर्देश दिया कि राशि प्राप्त के 24 घंटे के अंदर शिक्षकों के खाते में वेतन का भुगतान सुनिश्चित करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशि सितम्बर माह के लिए दी जा रही है। इस तरह दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ में सितम्बर का भुगतान नहीं किया जा सका था, अब नवम्बर में सितम्बर का वेतन राशि भेजा गया है।
बाड़ी खरबंदी के बिहार विद्युत विनियामक आयोग जन सुनवाई के बाद सुनाएगा फैसला। बिजली दर में 15% बढ़ोतरी की तैयारी। 15 तक आयोग को प्रस्ताव सौंपेगी कंपनी। यह देखिए, अगले साल से राज्य के बिजली दर में 10-15% बढ़ोतरी हो सकती है। कारण साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। वहाँ देखिए, बिजली कंपनी मुख्यालय अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए तय किए जाने वाले टैरिफ में 15% लॉस की मंजूरी दी गई है, जबकि बिजली कंपनी का वास्तविक लॉस 26% है। वहीं शेष 11% लॉस की भरपाई के लिए रिव्यू पिटीशन दायर किया गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाड़ी खरबंदी के आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता के नामांकन मामले में सुनवाई आज। पटना हाईकोर्ट में सुबह 10:30 होगी सुनवाई। जहाँ देखिये, गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव आज होने वाला है। 1 नवंबर को गोपालगंज के एक मतदाता दीपू कुमार सिंह ने गोपालगंज के आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर किया था। उसमें उनके नामांकन की जाँच की मांग की गयी थी, साथ ही मोहन गुप्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने की अपील की गयी थी। वह देखिये, इस मामले पर आज सुबह 10:30 इसकी सुनवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोपालगंज के एक वोटर दीपू कुमार सिंह ने पटना हाईकोर्ट में मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ एक रिट याचिका दायर किया था। उनका कहना था कि मोहन गुप्ता राजद से गोपालगंज के उम्मीदवार है, जिन्होंने अपने नामांकन में तथ्य को छिपाया है। उन्होंने बताया कि फॉर्म C-4 में लंबित आपराधिक मामलों को लेकर उन्होंने गलत सूचना दी थी। आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी ने महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया था और मोहन गुप्ता का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी का आरोप था कि मोहन गुप्ता के खिलाफ शराब कंपनी से जुड़े मामलों में झारखंड के गिरिडीह में एक FIR दर्ज, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी अपने शपथ पत्र में नहीं दी है। बाड़ी खबर में देखिए, प्रशांत किशोर बनाएंगे राजनीतिक पार्टी, 12 नवंबर को कर सकते हैं ऐलान। जी देखिए, जन सुराज यात्रा के 32वें दिन बुधवार को लोरियम में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि 12 नवंबर को बेतिया में होने वाले अधिवेशन में दल बनाने का फैसला होगा। वहीं जिले के जन सुराज अभियान से जुड़े लोग अधिवेशन में वोटिंग के इस बारे में निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में जिले की बड़ी समस्याओं पर मंथन और उसकी प्राथमिकताएं तय करने के साथ ही उसके समाधान पर निर्णय होगा। बाड़ी खबर में देखिए, भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय। बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 5 रन से हराया। जी देखिए, भारतीय टीम में 4 मैचों में 3 जीत और 1 हार के साथ 6 अंक लेकर ग्रुप टू में पहले नंबर पर आ गई है। बांग्लादेश तीसरे और साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है। वहीं इस मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत का सेमीफाइनल में पार करना लगभग तय हो गया है। इस मुकाबले के बाद बांग्लादेश का आखिरी मैच पाकिस्तान से है और भारत को जिम्बाब्वे से खेलना है। बड़ी खबर में देखिए, 283 रुपये सस्ता हो गया LPG सिलेंडर। पटना सहित बिहार के सभी शहरों में आज से नया रेट लागू। जी देखिए, सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने LPG की कीमतों में संशोधन किया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 283 रुपये की बड़ी राहत दी गई है। वहीं देखिए, 19.5 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 113.5 रुपये घटाकर 1997 रुपये कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि 47.5 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में भी 283 रुपये घटा दी गई है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए कि घरेलू रसोई गैस में किसी तरह का घटाव बढ़ाव नहीं हुआ है, कीमतें यथावत रखी गई है, नई दरें 1 नवंबर से लागू हो गई है। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार पुलिस में 16 नवंबर को बहाल होंगे 10,459 नए पुलिस कर्मी। CM नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। जी देखिए, बाड़ी खबर, बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी सफल पुलिस कर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं देखिए, CM द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही एवं 2213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे। इस बात की जानकारी बिहार के पुलिस मुख्यालय ने दी है। बिहार पुलिस के मुख्यालय द्वारा बताया गया कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के स्कूली विद्यार्थियों के खाते में 15 नवंबर तक पहुंचेंगे छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं के 5,000 करोड़ रुपए। जहाँ देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभों की योजनाओं की राशि इस माह की 15 तारीख तक DBT के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग का DBT कोषांग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। संभव है कि 15 नवंबर को समारोह पूर्वक 75% हाजिरी की अनिवार्यता पूरी करने वाले लाखों बच्चों के खाते में विभिन्न योजनाओं की तकरीबन 5,000 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि नहीं मिल पाई है। साइकिल के साथ ही पोशाक, छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि से स्कूली विद्यार्थी अब तक वंचित है। अब जाकर करीब 5,000 करोड़ रुपए लाभुक योजनाओं के मद में छात्र छात्राओं को देने पर
वित्त विभाग की मोहर के बाद शिक्षा विभाग बच्चों तक पहुंचाने में जुट गया है। बड़ी खबर में देखिए, 4 साल बाद बदली व्यवस्था, 1.5 करोड़ स्कूली बच्चों को नए सत्र से मिलेंगी किताबें, हर क्लास का अलग रंग। जहाँ देखिये, बिहार राज्य के सरकारी व सरकार संपोषित तकरीबन 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 का आरंभ होते ही किताबें मिल जाएगी। वहीं देखिए, 4 साल बाद बदली व्यवस्था के तहत पहले से पांचवी वाले सभी प्राथमिक और 6 से 8 तक के सभी मध्य विद्यालयों में नामांकित हर बच्चे तक निःशुल्क पुस्तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं देखिए, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने हर बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक का एक सेट प्रकाशित कर बच्चों तक पहुँचाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इच्छुक प्रकाशक 21 नवम्बर तक ऑनलाइन टेंडर जमा कर सकते हैं। बाड़ीकर में देखिए, देश में ई रुपया का हुआ आगाज। जी हां, देखिए, देश में मंगलवार को डिजिटल करेंसी ई रुपया की शुरुआत के साथ नए युग का आगाज हुआ। बजट में किए गए घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया है। पहले दिन कारोबारियों के लिए थोक खंड में 24 लेनदेन किए गए। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया है। वहीं देखिए, रिजर्व बैंक के मुताबिक केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया में पहले दिन हुए लेनदेन में सभी 9 बैंक जुड़े रहे। इस दौरान डिजिटल करेंसी तुरंत जारी करने के साथ साथ उसी समय सौदा निपटने की प्रक्रिया जांची गई। बात करें ई रुपया है क्या, तो यह एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लिए जारी किया गया है। साथ ही यह QR या SMS कोड के रूप में होगा, इन्हें स्कैन किया जा सकेगा। सत्यापन के लिए लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा जिसके जरिए वाउचर से भुगतान हो जाएगा। वहीं इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। यह कैशलेस और कॉन्टेक्टलेस प्रणाली है। वही बड़ी खबर में देखिए, सुबह के कई शहरों के बीच चलेगी 62 नई बसें। जहाँ देखिए, राज्य के भीतर एक से दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन होगा। बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए 38 बसें चलाई जाएगी। वहीं देखिए, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लोक निजी भागीदारी के तहत इन बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से 30 नवम्बर तक आवेदन मांगा गया है। वहीं देखिए, विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार के अंदर और राज्य के झारखंड के बीच विभिन्न शहरों के लिए रिक्तियां सामने आई है। यात्रियों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने इन खाली रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत पटना से सीतामढ़ी के बीच 11, लखीसराय से पटना के लिए 4, नवादा से बिहार शरीफ के लिए 8, मधुबनी से पटना के लिए 5, पटना से नवादा के लिए 4, पटना से पूर्णिया के लिए 2, पटना से निर्मली के लिए 2, वहीं पटना से दरभंगा के लिए 2 और पटना से पाली के लिए 2 बसें चलाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।